वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन क्या है? एक प्रकार का क्वेरी है। ठीक है, क्वेरी स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, दो या दो से अधिक टेबल से डाटा को फेच करता है जो कि किसी ना किसी एक कंडीशन के द्वारा एक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए कॉमन सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कॉमन सिंटेक्स ये है। लिखेंगे सेलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करना उसका कॉलम का नाम। ठीक है, ये कॉलम का नाम जो है वो टेबल वन से भी हो सकता है, टेबल टू से भी हो सकता है, मतलब जो दो टेबल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं उन दोनों में से किसी किसी का भी कॉलम का नाम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम कहाँ से, जो जिन दो टेबल को ऐड कर रही है, इस केस में क्या है, ईएमपीएल और डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, और कोई कंडीशन दे देंगे, वेयर, कब कंडीशन होगा भाई, तो उसके लिए क्या होगा, जिसका नाम अनूप हो। ठीक है, और ईएमपीएल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर दोनों का सेम हो, यानी कि इसमें कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए तो दोनों में कॉमन हो, तब जाके एसक्यूएल ज्वाइन आपका परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कितने प्रकार के ज्वाइन होते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखो जब हम दो या दो से अधिक टेबल को इस प्रकार ज्वाइन करते हैं कि कोई कंडीशन नहीं देते हैं, तो दोनों टेबल के सारे कंटेंट को डिस्प्ले कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कार्टेजियन प्रोडक्ट कहते हैं। इक्विजन क्या कहते हैं, एन इक्वी ज्वाइन एसक्यूएल क्वेरी दैट ज्वाइन टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन कंडीशन यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर, मतलब जो इक्वालिटी ऑपरेटर का कंडीशन के साथ जो होता है उसको क्या कहते हैं, इक्वी ज्वाइन कहते हैं। समझ में आ गया। इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन इंप्लीमेंट एन इक्वी ज्वाइन इन द ज्वाइन ओनली दोज रो आर रिटर्न फ्रॉम द बोथ टेबल दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन, द ज्वाइन कंडीशन कैन बी मैच रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द वन और मोर कॉलम। जब केवल उन्हीं कॉलम को वो क्या करता है कि जो दोनों में मैच करते हैं उनको रिटर्न करता है, तो वैसा इक्वी ज्वाइन क्या कहलाता है, इनर ज्वाइन कहलाता है। समझ में आया। अब नेचुरल ज्वाइन क्या कहलाता है, अ नेचुरल ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन वेयर द ज्वाइन कंडीशन कंपेयर ऑल द सेम नेम कॉलम इन बोथ टेबल, जब एक जैसे नाम के टेबल को कंपेयर किया जाता है दोनों टेबल में, एक जैसे नाम के कॉलम को जब कंपेयर किया जाता है दोनों टेबल में, तो उस प्रकार के ज्वाइन को क्या कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। अगला कौन सा ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन क्या क्या कहलाता है, एक ऐसा ज्वाइन जिसमें क्या होता है, दोनों फील्ड के कॉमन डाटा को डिस्प्ले किया जाए और लेफ्ट वाले के सारे डाटा को डिस्प्ले किया जाए, यानी कि पहले वाले के अगर ए और बी ज्वाइन हो रहे हैं तो ए और बी का जो कॉमन फील्ड है उसको पूरा दिखा दे, और ए का जो है क्योंकि ए पहले आया है तो उसको लेफ्ट कहेंगे, उसका सारा डाटा दिखाए तो क्या कहेंगे, लेफ्ट ज्वाइन कहेंगे, और वाइस वर्सा इसी कंडीशन में जब दोनों का कॉमन फील्ड दिखाए और बी का पूरा डाटा दिखाए तो क्या कहेंगे, उसको राइट ज्वाइन कहेंगे। यही लिखा हुआ है, द लेफ्ट ज्वाइन इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वाइन दैट सेलेक्ट रो फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट टेबल्स दैट आर मैच, मतलब जो मैच होते हैं वो तो दोनों में से दिखाएगा, लेकिन सारा जो है अगर लेफ्ट टेबल का दिखा देता है, मतलब देखिए लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में क्या है कि जब दो टेबल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसका डिस्प्ले होता है क्या, कौन सा डिटेल डिस्प्ले होती है, जो मैच करेगा वो तो सारा का सारा डिटेल डिस्प्ले होगा ही, साथ ही अगर ए और बी है, ठीक है, तो ये लेफ्ट में है ये राइट में है, इसको लेफ्ट ज्वाइन कब कहेंगे, जब दोनों के बीच जो कॉमन होगा वो सारा दिखाए और साथ साथ जो ए के अंदर जो बच गया वो सारा दिखा दे तो लेफ्ट ज्वाइन होगा। इसी तरह जब दोनों के बीच कॉमन सारा दिखाए यहाँ पे और ए को छोड़ करके जो बी में जो कॉमन नहीं है उसको भी दिखाए, तो कुछ कुछ फील्ड होंगे ऐसे जो ए में भी कॉमन नहीं होंगे और कुछ फील्ड होंगे जो बी में भी कॉमन नहीं होंगे, लेकिन इनको छोड़ देगा और केवल बी वाले को दिखा देगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, वो राइट ज्वाइन हो गया। ये क्या है, अभी आपके क्योंकि ये क्लास 12th लेवल का मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि केवल इसका डेफिनेशन बताया गया है, इसका प्रैक्टिकल नहीं बताया गया है, तो मैं उसका प्रैक्टिकल अभी नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडेक्स इन अ डाटाबेस। इंडेक्सेस क्या होता है, देखो इंडेक्स एक ऐसा टेबल होता है जो कि एक या दो या फिर अधिक कॉलम का रिकॉर्ड रखता है और उसके लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है। सपोज दैट एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल क्या है स्टूडेंट, तो इंडेक्स जो होता है वो किसी ना किसी टेबल के ऊपर ही लगाया जाता है, तो ये पहले से बना हुआ क्या है इंडेक्स, टेबल क्या है स्टूडेंट है, इस पे अगर हम इंडेक्स बनाएंगे तो इंडेक्स अपने आप में एक टेबल होगा जो क्या करेगा, मान लीजिए इस कॉलम पे हम इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस कॉलम के सारे डाटा को रिकॉर्ड को रखेगा और साथ साथ इसका जो लोकेशन है उसको स्टोर करेगा। सपोज दैट ये क्या है, ये एक इंडेक्स है। अब ये क्या है, अगर ये रोल नंबर वाले कॉलम पे लगा हुआ है तो रोल नंबर के सारा डाटा को रखेगा, और इसके देखो इंडेक्स में केवल दो ही कॉलम होते हैं क्या, एक जो
कॉलम जिस पे लगाया जाता है उसका डाटा रखता है, दूसरा उसका लोकेशन रखता है। इसमें किसका लोकेशन होगा? इसका लोकेशन होगा, इसका लोकेशन होगा, इसका लोकेशन, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स दो तरीके से लगाया जाता है, एक जब टेबल हम क्रिएट कर रहे हो उस समय लगाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। जैसे टेबल हम क्रिएट किए, यहाँ पे अपना फील्ड वगैरह डिफाइन कर लिए, इस तो आपको पहले से ही पता है इसके बारे में कि सब क्या होता है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? इंडेक्स लिखेंगे और इंडेक्स का कोई भी नाम दे देंगे, और किस टेबल पे लगाना चाहे, टेबल पे किस कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं, तो टीम नंबर पे लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, टीम नंबर देखो इसके अंदर कुछ होगा, यहाँ पे है कॉलम एक, समझ में आया? यानी कि जैसे नॉर्मल हम टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही टेबल को क्रिएट करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? इंडेक्स एक लिख लेंगे, इंडेक्स के आगे इंडेक्स का नाम दे देंगे, और उस टेबल में जिस टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल में कोई एक कॉलम होगा जिसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। समझ में आ गया? तो ये लाइन है इंडेक्स बनाने का, ये इंडेक्स हो जाएगा कीवर्ड। प्लेयर आईडी की जगह हम कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं, और ये क्या है, इसी इसी टेबल के किसी एक कॉलम को जो यूनिक होगा उसको डाल देंगे। समझ में आ गया? तो ये पहला तरीका होगा जब टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं तो एज ए टेबल उसी के समय हम बना दें। दूसरा, अगर मान लीजिए पहले से हमारा टेबल क्रिएटेड है तो उस पर इंडेक्स कैसे लगाया जाता है? तो उस पर इंडेक्स ऐसे लगाया जाता है, देखिए पहले से बना हुआ टेबल है तो क्या लिखेंगे हम? तब कमांड लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम, जो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे था ना इंडेक्स, तो हम लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स और इंडेक्स का नाम, जैसे प्लेयर आईडी है तो यहाँ पे प्लेयर आईडी एक्स हो जाएगा, ऑन टेबल तो टेबल यहाँ पे क्या है, टेबल का नाम है प्लेयर तो यहाँ पे प्लेयर आ जाएगा, कॉलम यहाँ पे कॉलम कौन सा कॉलम लिया गया था, टीम नंबर लिया गया था, यहाँ पे कॉलम के अंदर टीम नंबर डाल देंगे और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। समझ में आ गया? तो इसका अगर प्रैक्टिकल देखना चाहे तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ देखिए, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और एल दबाना है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माई एस क्यू एल डी, और क्या करेंगे, एंड एंटर। माई एसक्यूएल लिखना था, मैंने माई एसक्यूएल नहीं लिखा है, तो रुक जाइए, कंट्रोल, बार बार ये मिस्टेक मेरे से हो जाती है। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल डी स्पेस एंड एंटर। देखिए यहाँ पे पोर्ट क्रिएट हो गया, ठीक, इसका मतलब हम लोग डाटाबेस से कनेक्शन स्थापित कर चुके हैं। अब फिर से एक बार कंट्रोल दबा के एल कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, मारिया डीबी एंटर कर देंगे, मारिया डीबी में आ गया। अब लिखेंगे क्या, सो डाटा बेसेस और सेमी कॉल एंटर, ताकि डाटा बेस हम खोल जाए। हमको किस डाटा बेस में हम लोग काम करते हैं, वीवीके में, तो क्या लिखेंगे, यूज वीवीके, वीवीके के अंदर आ गया, कंट्रोल दबा के एल दबा देंगे हम लोग, हो गया खत्म। अब इसमें देखेंगे सो टेबल, सो टेबल्स, इतने सारे टेबल हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पे हम इंडेक्स पहले से बना हुआ है तो इस पे इंडेक्स बनाते हैं, जैसे कस्टमर को हम देख लेते हैं, कस्टमर में क्या है, कस्टमर नहीं, हम किसको देखेंगे, ऑर्डर टू को देख लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल ऑर्डर टू, ऑर्डर टू सेमी कॉलम एंटर। देखिए उसमें कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं स्टूडेंट को देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक ही डाटा है, इसको भी नहीं, स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा, थ्री मान लीजिए, इसमें कोई डाटा नहीं है, किसी में डाटा नहीं है क्या, स्टूडेंट टू, इसमें दो डाटा है, एक मिनट, हम कौन सा डाटा ले, एम्प्लॉई टू, एम्प्लॉई टू, लेते हैं ई एम पी एल ओ वाई एल ई, हाँ ये डाटा है। जैसे इस पर अब हमको इंडेक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम, पहले से बना हुआ है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे। देखिए
क्रिएट इंडेक्स, पहले कि पहले से बना हुआ तो ये मेथड लगाएंगे, और जब बना रहे हो उसमें कौन सा मेथड लगाना है, ये मेथड लगाना है, तो ये बहुत आसान है, आप लोग लगा लीजिएगा। हम पहले से बना हुआ क्योंकि है मेरे पास, तो हम उस पर लगा रहे हैं। क्रिएट इंडेक्स लिखना है, ठीक है, उसके बाद इंडेक्स का नाम जो भी नाम देना चाहें, तो क्रिएट इंडेक्स, और सपोज दैट इंडेक्स का नाम हम ए बी सी डी लिखते हैं, तो क्रिएट इंडेक्स ए बी सी डी लिखेंगे, ऑन टेबल का नाम लिख देंगे और कॉलम लिख देंगे बस। तो देखिए क्या होगा, क्रिएट सी आर ई ए टी ई क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ए बी सी डी सपोज दैट। अब ऑन टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, ये ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, और फिर कॉलम का नाम लिख देंगे, कॉलम का नाम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, किस पे लगाना चाहते हैं, ई कोड पे, ई सी ओ डी ई, ई कोड, ई कोड यहाँ पे एक देखिए कॉलम है, ठीक है, और कुछ नहीं, सेमी कॉलम देंगे, एंटर कर देंगे, बन गया वो, ठीक है। डिस्क करके देख लेते हैं, डेस्क तो बस ये हमारा बन गया इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे बन गया, एरर नहीं दिखाया, ठीक है। अगला क्या है, ज्वाइन क्या होता है, ठीक है, ज्वाइन में क्या है, ज्वाइन का सिंटेक्स कहाँ पे था, पहला वाला स्लाइड में था, ये कि दो टेबल थे, हम लोग देखेंगे दो किसमें, दोनों में कॉमन है कोई चीज़, ठीक है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो पहले हम देख, अब हम लोग देखते हैं कि ज्वाइन कैसे किया जाता है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि टेबल देख लेंगे कौन कौन सा टेबल बना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सो टेबल्स, और देखिए इसमें एक ई एम पी है, एक ई एम पी पी है, और एम्प्लॉई है, ठीक है। तो ई एम पी पी में देख लेते हैं क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम ई एम पी पी, ये डाटा है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम, इसमें ये डाटा है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों टेबल को ज्वाइन करें, और कंडीशन के थ्रू हम इसका कॉन्टैक्ट देखें और इसका ग्रॉस देखें। देखिए कॉन्टैक्ट इसमें नहीं है, ग्रॉस इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों का मिला करके ज्वाइन के थ्रू हम देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज़ लिखना पड़ेगा आपको कमांड ज्वाइन के लिए। पहले लिखेंगे क्या, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या देखना है हमको, कॉन्टैक्ट देखना है, कॉन्टैक्ट, फिर कॉमा और क्या देखना है, ग्रॉस देखना है, जी आर ओ डबल एस, ग्रॉस, ठीक है। इसके बाद किस में देखना है, फ्रॉम, पहला किस में का है, ई एम पी पी, और दूसरा किस में का है, दूसरा किसका फील्ड है, किस में क्या है वो, दूसरा है एम्प्लॉय का, ई एम पी एल ओ, दोनों टेबल का नाम लिख देंगे, एम्प्लॉय, ई एम पी पी एम्प्लॉय, वेयर, वेयर क्या लिखेंगे, वेयर हम लिख देंगे ग्रेड, और सेक्स इज इक्वल टू एम लिख देते हैं, सेक्स इज इक्वल टू एम, जो मेल हो, ठीक है। और क्या, एंड ई एम पी पी डॉट ई सी ओ डी ई, ई कोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, एम्प्लॉय डॉट ई कोड सी ओ डी ई। अब देखिए इसमें क्या है, सेमी कॉलम, इसमें क्या हम क्या किए हैं कि इन दोनों को ज्वाइन किए हैं, किस पे ज्वाइन किए हम लोग, इस पे हम लोग ज्वाइन किए हैं कि ई कोड जो है दोनों में कॉमन है, तो ई कोड पे ज्वाइन किए हैं, और कंडीशन क्या लगा है, जिसका सेक्स एम हो। अब देखिए सेक्स इसमें नहीं है पर इसमें है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो आंसर बता देगा। तो कैसे बताएगा आंसर, देखिए अब ये क्या किया है कि क्या सेलेक्ट किया है, कॉन्टैक्ट किया है, ग्रॉस सेलेक्ट किया है, किसका किसका सेलेक्ट किया है, तो वो सेलेक्ट किया है एम्प्लॉई से, और उस पर कैसे, जिसका सेक्स एम हो, तो जैसे ये मान लो मेल है, ठीक है। अब ये कहाँ से सेलेक्ट किया है, देखो ये मेल है, इसके नाम विवेक है, तो विवेक किसके अंदर है ना, देखिए विवेक किसके अंदर है, तो इसका कॉन्टैक्ट दिखा दिया होगा, तो देखो इन ग्रॉस दिखाया होगा, तो विवेक के आगे जो ग्रॉस है, यहाँ पे ग्रॉस जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, अब अगला कौन सा मेल है जो दोनों में मैच करता है, तो देखो यहाँ पे आदित्य एक एम है, जो इसमें भी आदित्य नाम मैच कर रहा है, तो इसका कॉन्टैक्ट वो इसका ग्रॉस दिखाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, आदित्य का क्या है, कॉन्टैक्ट दिखा देगा, आदित्य का कॉन्टैक्ट है ये, और आदित्य का ग्रॉस क्या है, नल, यहाँ पे नल दिया हुआ है इसलिए नल दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास कंप्यूटर ना हो वे मोबाइल का यूज करके अपना लाइव क्लासेस कर सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और तब तक के लिए गुड बाय।